बोर्ड का एग्जाम था, यूपीएससी का एग्जाम नहीं था। हाँ। अगर बच्चा का दिल टूट जाएगा तो बच्चा आगे तैयारी करो नहीं करेगा। हाँ। यही कहना चाहते हैं कि इसके लिए कुछ प्रावधान किया जाए, नहीं तो एग्जाम रद्द किया जाए और दूसरा एग्जाम लिया जाए, एग्जाम रद्द किया जाए। हेलो दोस्तों, मैं सुज कुमार, आप देख रहे हैं सुज ब्लॉग सपोर्ट। दोस्तों, मैं बिहार के सीतामढ़ी के अंतर्गत पुपरी जो डीएवी पब्लिक स्कूल में मैट्रिक का एग्जाम चल रहा है। और आज क्या चीज एग्जाम है? आज क्योंकि 80% से अधिक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। पढ़े नहीं थे प्रश्न सब? प्रश्न आउट सिलेबस में रहेगा तब ना पढ़ेंगे। अच्छा, प्रॉब्लम ये है ना, जो बिहार बोर्ड जो किताब जारी किया है उसमें वो सवाल सब था ही नहीं। ऐसा सवाल पहली बार देखने को मिला है। क्या कहना चाहते हैं बिहार बोर्ड? क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि इसके लिए कुछ प्रावधान किया जाए, नहीं तो एग्जाम रद्द किया जाए, नहीं तो एग्जाम रद्द किया जाए और दूसरा एग्जाम लिया जाए, एग्जाम रद्द किया जाए। आपका ये अच्छा, देखते हैं कि जो रेलवे का होता है, एसएससी होता है, या बैंकिंग का होता है, या प्रश्न हाई होने के बाद क्या होता है, नॉर्मलाइज होता है। भाई टॉप एग्जाम है तो नंबर बढ़ा के। बिहार बोर्ड का एग्जाम था, यूपीएससी का एग्जाम नहीं था। यही पर अगर बच्चा का दिल टूट जाएगा तो बच्चा आगे तैयारी करो नहीं करेगा। एग्जाम रद्द करेगा, एग्जाम रद्द करने के लिए हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चा जो है सिलेबस का तैयार किया जी, और क्वेश्चन जो पूछा गया आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया तो बच्चा कहाँ से मारेगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि इस परीक्षा ये भैया रद्द किया जाएगा ना, नंबर पर आके दिया जाए। और एक मिनट तो 50% नंबर पर नंबर। अच्छा, आप लोग अभी सेकंड सिटी के एग्जाम देने जा रहे हैं? अब दोस्तों फर्स्ट सिंग है, भाई लोग अगर नहीं आया अभी तक ले तो इन लोग से जानते हैं कि और क्या क्या परेशानी हो रहा है सेंटर पे। अच्छा, अंदर में कोई प्रॉब्लम ही हो रहा है? नहीं अच्छा, गेट पर सुने कि बोला है कि 9 बजे से पहले ही गेट बंद करता है, ऐसा भी होता है क्या? अंडर एंट्री लेने देता है। अच्छा, वही कोई समस्या नहीं है? अच्छा, ऑब्जेक्टिव के अलावा और जो प्रश्न था पूछा गया था पूरा जीके जीएस टाइप का था, सिलेबस का लग रहा था। ऊपर दिखाई बहुत ज्यादा भीड़ लग चुका है यहाँ पे, देखिए हम बिहार पे और प्रश्न ज्यादा कुछ हाई पूछ जाता है यहाँ पे।